हेलो नमस्कार, आप सबका स्वागत है टूलमैन चैनल में। आज हम बॉस काफी से एक नया प्रोडक्ट जो आया है बॉस हैक्सॉ फ्रेम और ब्लेड, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं कि बॉस का हैक्सॉ फ्रेम है, इसका मॉडल है 2608003301 और ये दिखने में बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है और पकड़ने में भी अगर कोई यूजर इसको पकड़ेगा तो उसको बहुत ही अच्छा फील आएगा, काम करने में मजा आएगा। जब ये खरीदते हैं तो इसके साथ एक और ब्लेड फ्री आती है, मतलब एक लगा हुआ और एक और साथ में, दो ब्लेड फ्री आता है। और ये बॉस का बाई मटेरियल ब्लेड है जो फ्री आती है और साथ में वो 18 TPI की ब्लेड है। इनके पास 18 TPI और 24 TPI का साथ में ब्लेड भी लॉन्च हुआ है जो आपको 2 पीस के पैकेट में आते हैं, 50 पीस के पैकेट्स में आते हैं। और अगर जब कभी आप बॉस का ब्लेड खरीदे तो कोशिश करें कि 50 पीस का पैकेट खरीदे, इससे आपको कुछ इकोनॉमिकल पड़ता है। अच्छा, ब्लेड के बारे में हम बात करेंगे, उससे पहले हैक्सॉ फ्रेम की बात कर लें। अब जैसे कि ये बिल्कुल नया हैक्सॉ फ्रेम है और इसका जो MRP है वो लगभग आपको देख सकते हैं, अगर दिखाई देगा तो 560 रुपया है। तो यानी उसके अंदर अंदर ये प्रोडक्ट मिल जाएगी, मुझे लगता है कि 450 के आसपास, 400 इसके आसपास ये प्रोडक्ट मार्केट में आपको मिल जाएगा। आप इसका प्राइस चेक करना है तो बॉस हैक्सॉ फ्रेम करके आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, बॉस के किसी भी ऑथराइज डीलर या कोई भी हार्डवेयर काउंटर हो जहाँ पे हैक्सॉ फ्रेम वगैरह बिकता हो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। तो इसके लिए आगे बढ़ते हैं किस टाइप पे प्रोडक्ट है, यहाँ से खोले हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं जो इसकी जो क्वालिटी है, जनरली जो दूसरे जो वुडन हैंडल वाले हैक्सॉ फ्रेम आते हैं उसमें वो क्वालिटी नहीं होता और वो जल्दी यहाँ से निकल जाता है या किस तरीके प्रॉब्लम आती है। दूसरे कई सारे प्रोडक्ट होते हैं उनका ये फ्रेम में दम नहीं होता, मैंने कई सारे यूज करके देखे हैं और इस तरीके से। अच्छा, ये मैंने पूरा खोल लिया, ये तो पूरा ओपनेबल है। इसके अलावा ये विंग्स वाले नट है ताकि इजी इसको टाइट और लूज हो सके और ये बहुत ही हाथ से ही हो जाता है, ये बहुत ही हल्का है। इसके बारे में ब्लेड देख लेते हैं, ये ब्लेड उल्टा करके रखा हुआ था ताकि हैंडल के दौरान हाथ कटवट न जाए, इसको हम सीधा करके लगा लेते हैं और साथ में एक ब्लेड का एप्लीकेशन भी हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले मैं बता दूं ये बॉस का जो हैक्सॉ है, अच्छा कई बार ये आप दूसरे कंपनीज की ब्लेड अगर लेते होंगे इसमें एडजस्ट करने में इसमें दिक्कत होता है। एक और चीज़ है, इसको आप इस तरीके से भी लगा के यूज कर सकते हैं। कई सारे जो ब्लेड आते हैं जिसमें अगर साइड से एप्लीकेशन है तो वहाँ पे एक स्पेस दिया हुआ है, मैंने तो कभी इस टाइप का किया नहीं, बट आप इसको कभी भी यूज कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ एप्लीकेशन आपका है तो। इसको मैं फिलहाल इस तरीके से फिक्स कर लेता हूँ, यहाँ पे डाल। इसके फ्रेम की और खास बात यह, फ्रेम डिटेचेबल बाहर हो जाती है और इसको आप आराम से एडजस्ट कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है। इससे क्या होता है कि अगर आप ब्लेड को फिक्स करने में बहुत आसानी होती है और इसका ट्यूब की क्वालिटी आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया ट्यूबुलर बॉडी है, काफ़ी अच्छा है और ये हैंडल का भी क्वालिटी बहुत उम्दा है। अब जैसे कि हम इसमें अभी लगाएंगे, इसको इस तरीके से लिया, इसको फिक्स किया और इसको हमने टाइट कर दिया। ये विंग्स नट होने की वजह से हाथ से बहुत इजीली टाइट हो जाता है और ये बाई मटेरियल ब्लेड है तो इसके बारे में सुना है कि जल्दी टूटता भी नहीं है और इसकी क्वालिटी बहुत हाई होती है, जो नॉर्मल कार्बन ब्लेड आते हैं उससे बहुत ही अच्छा। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, इसकी क्वालिटी देख सकते हैं और ये 18 TPI का ब्लेड है। अच्छा, जब ये आता है इसके साथ दो टाइप के ब्लेड आते हैं फ्री, एक 18 TPI आता है और एक 24 TPI ब्लेड आता है। हम 24 TPI ब्लेड का एक यूज करके देखेंगे। ये मेरे पास एक पाइप है मेटल का,
इसको जैसे हम काट के देखते हैं किस तरीके से ये काम करता है। इसको जब इसको यूज करें, अगर आपको कुछ ऐसा हैवी एप्लीकेशन है तो साथ में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा। देखिए पानी मैंने इसको क्लैंप नहीं किया इसलिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है इसको पकड़ने में। इसका हमने भी पाइप पे थोड़ा सा काट के देखा और इसको थोड़ा सा एक शीट मीटर पे भी ट्राई कर लेते हैं। जैसे कि मैं एक जगह लेता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने शुरू किया इधर लगाता हूँ। किया इसने और यूज करते हैं इसमें डायरेक्शन भी है कि ब्लेड की डायरेक्शन किस तरफ होनी चाहिए। और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो मैं ये 24 TPI वाले उससे काट रहा था और ये यहाँ पे इतना लंबा कट आ गया है। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा ब्लेड है। अगर आप लोग भी अच्छा यूजर है तो आप ये भी अपने नियरेस्ट बॉश डीलर से या किसी भी हार्डवेयर काउंटर से खरीद सकते हैं और ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। थैंक यू सो मच।